तो आखिर जयंत चौधरी को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है कि जयंत चौधरी कभी भी इंडिया गठबंधन से एनडीए में आ सकते हैं, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। यहां पर भी लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि दोनों जगह कैबिनेट विस्तार है, उत्तर प्रदेश के कहीं कैबिनेट विस्तार में उनके विधायक शामिल हो सकते हैं, दिल्ली में अगर मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार होता है 24 के पहले तो उसमें उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो खुद शामिल हो सकते हैं। ये ऐसी चर्चा है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में खूब तैर रही है, इस पर चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की वजह साफ है कि कहीं ना कहीं एक एम्बिग्यूटी जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन खुद आरएलडी की तरफ से और जयंत चौधरी की तरफ से भी बना हुआ है। अब अगर हम पहले पीछे जाएं तो कई ऐसे वाक़े हुए, लगातार हम लोग उस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का जो पहली मीटिंग हुई थी पटना में उसमें उनका नहीं जाना, दिल्ली सर्विसेज बिल पर उनका वोट नहीं करना, इसके अलावा जो नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें दोनों का अकेले लड़ना, इतने महीनों से दोनों की वन टू वन अलग से कोई मुलाकात या बातचीत नहीं होना, अखिलेश यादव का ये कहना कि उत्तर प्रदेश में जो भी गठबंधन बने लीड समाजवादी पार्टी करेगी, तो ऐसी तमाम बातें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि दोनों के बीच में की जो केमिस्ट्री है उसमें थोड़ा अविश्वास आया है। लेकिन क्या यही वजह है? इससे आगे की वजह है, इससे आगे की कई और वजह है। जैसे आरएलडी का जो अपना चुनाव चिन्ह है वो अब फ्री हो चुका है, यानी कि आरएलडी का जो नल का चुनाव चिन्ह है अब वो उनका अपना चुनाव चिन्ह नहीं है। अगर चुनाव आयोग चाहेगा तब वो अधिकृत होंगे, नहीं तो ये चुनाव चिन्ह किसी को भी दिया जा सकेगा, यानी कि उनका चुनाव चिन्ह खतरे में। इसके अलावा उनका लखनऊ का उत्तर प्रदेश का जो मुख्य कार्यालय है वो भी एक तरीके से सरकार के रहमोकरम पर है। और तीसरी बात यह है कि विधायक और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ये चाहते हैं कि सरकार में चला जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जयंत चौधरी की मेहनत है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी धारा तैयार की है, किसान आंदोलन से लेकर अभी तक, और खासकर भाईचारे की जो सियासत उन्होंने शुरू की है वो रंग लाने लगा है, यानी कि मुस्लिम और जाटों के बीच जो एक खाई पैदा हुई थी मुजफ्फरनगर दंगे के बाद वो भर गई है। और अगर यहां पर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाने का कोई फैसला लेते हैं तो उनके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। दूसरी बात, उनके साथ चंद्रशेखर रावण की जोड़ी बनी हुई है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना दोबारा से अपनी पांव जमा ली है, अपना बेस खड़ा कर लिया है। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी के लोग चाहते हैं, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि अगर एक बार जयंत उनके साथ आ जाए तो ये जो जाट और बीजेपी के बीच की जो खाई है ये दूर हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी और तब बीजेपी के लिए पश्चिम जीतना आसान हो जाएगा। और यही वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से चर्चाओं का दौर जारी है। दूसरी तरफ जयंत चौधरी भी इन चर्चाओं को विराम देना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये चर्चाएं चलती रहें क्योंकि इससे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी दबाव में रहेगी, कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन के जो नेता सीटों की बात करेंगे वो दबाव में रहेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर इस बात पर आंतरिक तौर पर एक सहमति है कि ये कन्फ्यूजन तब तक बना रहे जब तक कोई खास फैसला ना हो जाए, यानी कि या तो इंडिया गठबंधन के साथ सीटों को लेकर फैसला ना हो जाए या फिर बीजेपी के साथ कुछ तय ना हो जाए। फिलहाल आज जब हमने उनके प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय से बातचीत की तो उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी के साथ जाने का सवाल नहीं है, लेकिन उन्होंने एक लाइन और कह दी और वो ये कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ये तय नहीं करेगी कि इस गठबंधन में शामिल दलों को कितनी सीटें मिली और कौन कौन सी सीटें मिली, यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर सीटों का बंटवारा होगा तो उसके केंद्र में कांग्रेस पार्टी होगी, जो दूसरे गठबंधन के नेता हैं वो इसके केंद्र में होंगे और वो तय करेंगे। यानी कि अखिलेश यादव अगर ये बात सोचते हैं या कहते हैं कि उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वो किसे कितनी सीटें देना चाहेंगे ये वो तय करेंगे, तो ये आरएलडी नहीं मानने जा रही। और यही छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, कंफ्यूजन है, जिससे ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और यही आरएलडी की या जयंत की बीजेपी की तरफ जाने की बातों को हवा दे रहा है।
लेकिन अभी तक पार्टी के स्टैंड साफ है कि आरएलडी बीजेपी के साथ नहीं जा रही, वो इंडिया गठबंधन में है और मुंबई की मीटिंग में भी जयंत चौधरी जाएंगे।